हेलो फ्रेंड्स, बजाज फिनांस टारगेट 15th ऑफ जून, राइट। तो देखिए, बजाज फिनांस मैंने चार्ट लगा रखा है, चार्ट को स्टडी करते हैं। 14 तारीख को क्या हुआ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन क्यों हुई आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो बता रहा हूँ। सुबह के टाइम पे मार्केट निफ्टी 200 पॉइंट डाउन था। डाउन क्यों था कि थोड़ा रिउमर थी मार्केट में कि अदानी के शेयर में कुछ दिक्कत है, राइट। उसके चक्कर में उनके शेयर तो बहुत ज्यादा गिरे थे, लेकिन और भी चूंकि मार्केट में निफ्टी भी गिर गया था, थोड़ा सा एक पैनिक सेलिंग आ गई थी। तो जैसे मार्केट में थोड़ा सा रेड कैंडल बना, लो बनाया इसने 6047 का, लेकिन जैसे जैसे रिउमर मॉन्गरिंग खत्म हुई सीधा हाई बनाया फिर से 6223 का। तो दोस्तों, मैंने इसमें ऑलरेडी टारगेट दिया हुआ था 14 जून के लिए 6300 रुपए का। मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए, 6300 का टारगेट था। तो देखिए, अगर आज ये रूमर मॉन्गरिंग ना हुई होती तो 6300 टच कर गया होता। फिलहाल ये क्लोज हुआ है 6200 पे, हाई भी बना चुका है 6215-20 का। तो दोस्तों, कल की डेट में बहुत ही साफ है कि फर्स्ट टारगेट होगा 6300 रुपए का, राइट। कोई रोक नहीं सकता है, और बशर्ते कोई मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट ना हो, लाइक इस तरह के रूमर मांगरिंग या फिर कुछ बहुत ही बड़ी गिरावट आ गई फॉरेन की तरफ से विदेशी मार्केट में, तो अपना भी मार्केट गिर जाएगा। तो उस चक्कर में तो छोड़िए, लेकिन अगर नॉर्मल मार्केट रहा तो फर्स्ट टारगेट होगा 6300। 6300 क्रॉस करने के बाद 6450 तक ये जा सकता है। तो दोस्तों, ये लेवल से आप ध्यान रखिए। सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, अभी उसी क्रिटिकल लेवल पे है जो फ्राइडे को हाई मारा था, आज उसी आसपास है, राइट। तो अगर ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा 6200 के आसपास। 6200 से अगर नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो थोड़ी सी स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी। स्लो का मतलब जाएगा फिर भी ऊपर, तो मे भी वेट करना पड़ सकता है 1 दिन 2 दिन ऐसे करके, और सब कुछ सही रहा तो ये जो टारगेट मैंने बताया वो अचीव करता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, ये टारगेट ध्यान रखिएगा। थैंक यू।